हेलो एवरीवन। तो वो मैंने जो पार्ट 2 वीडियो है वो मैंने एक्सपोर्टिंग में डाल दी है। जब तक मैं पार्ट 3 करूँगा तो वो तब तक एक्सपोर्ट हो रहा हो जाएगी। मेरा पहले यह था कि मैं इसको सिंगल वीडियो में बनाऊँगा, पर ठीक है कोई नहीं। हमने पार्ट 2 तक ही डिस्कस कर रहा था कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ये 5 फंडामेंटल राइट्स मैंने इनके आर्टिकल याद करने हैं। 5, 4, 2, फिर ये डबल हो रहे हैं, 1, 2, 4। तो ऐसे करके आप इनको सिर्फ ये ध्यान रखना कि अगर ये आया तो ये फ्रीडम की बात करता है, ये इक्वालिटी की बात करता है, ये एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। मेन चीज़ अभी ये है, ठीक है? तो हमें इसको ध्यान में रखना है। और एक और चीज़, हमारे पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो 30 के बाद 32 आया है ना, 31 भी हमारा फंडामेंटल राइट था। तो हमारे पहले 7 फंडामेंटल राइट थे। पर एक बात बताओ, राइट टू प्रॉपर्टी अगर दे देंगे, मान लो कोई बहुत बड़ा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आ रहा है, बीच में फार्मर्स की ज़मीन आ रही है, माना मैंने माना उनकी ज़मीन लेना गलत है, पर नेशन नेशन वाइज अगर सोचें तो बुलेट ट्रेन आ रही है, सब ने दे दी, 2-3 ने नहीं दी, उनका राइट है प्रॉपर्टी का, अब उनको एक्वायर भी नहीं कर सकते, तो इतना बड़ा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट रोक देंगे। तो इस भूल को सुधारने के लिए आर्टिकल 31 को एक लीगल राइट कर दिया कि तुम्हारा राइट टू प्रॉपर्टी है। हाँ ठीक है, पर अंडर रीजनेबल सर्कमटेंसेज वी कैन ऑल्सो टेक इट एंड वी विल गिव यू द कम्पनसेशन फॉर दैट। तो ये कब हुआ? ये 44 अमेंडमेंट में हुआ। मैंने टॉपिक 1 में बताया था पहली क्लास में कि सबसे बढ़िया तुक्का 44 अमेंडमेंट होता है 1976। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम 44th अमेंडमेंट लाकर पूरा संविधान को बदलने की कोशिश करी, और उसने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया 44th अमेंडमेंट को। बाद में इंदिरा गांधी गई तो 46th अमेंडमेंट से बहुत सारी चीज़ों को सुधारा गया, पर जो कुछ चीज़ें सही थी उनको सही रहने दिया, जैसे ये राइट टू प्रॉपर्टी का लीगल राइट हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और है, मैंने 2 मिस्टेक्स करी थी हमारे पार्ट 1 में। मैंने सोचा इस भी मैं करेक्ट कर देता हूँ ये मिस्टेक्स क्या थी। ये नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, ये बिल एक्ट वाली मिस्टेक थी भाई, मैंने ना उल्टा बता दिया। जब तक ये भी बिल है, जब तक हम लोकसभा में कोई लॉ प्रेजेंट करते हैं हम उसको बिल बोलते हैं, वो पास हो गया हम तभी भी उसको बिल बोलेंगे, उसको राज्यसभा भेजा राज्यसभा में पास हो गया तभी भी हम उसको बिल बोलेंगे, हमने प्रेसिडेंट के पास भेजा तभी भी उसको बोल बोलेंगे। जिस टाइम प्रेसिडेंट उस चीज़ को साइन कर देगा ना, वो एक्ट बन जाएगा। मैंने बिल और एक्ट उल्टा बताया था वीडियो 1 में, तो मैं ये करेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, और एक और चीज़ है, ये जो मैंने आपको बताया था ना स्टेट गवर्नमेंट की राज्यसभा, स्टेट गवर्नमेंट का अपर हाउस, मैंने आपको बोला था कि ये हर स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये कुछ स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, तो ये 8 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको ये ट्रिक बताना भूल गया, तो ये मेरी गलती थी। एक मैंने ट्रिक इधर लिखी थी पर मैं इसको एक्सप्लेन करना भूल गया बार को, बाद में मेरे को लगा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ। देखो, तू भी मजे कर। ठीक है, तू भी तेलंगाना तमिलनाडु, यू उत्तर प्रदेश, बी बिहार, एम से दो ही होती है मेरे हिसाब से, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, टी से भी दो ही होती है। हाँ, टी से भी मेरे हिसाब से दो ही होती है, तेलंगाना तमिलनाडु, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, जे जम्मू कश्मीर पहले था। मैंने आपको एक रिलेवेंस दिया था हमारे पार्ट 1 में कि भाई इसमें रिमूव हो गया था 370, जो उसका अपर हाउस डिसॉल्व कर दिया गया, वो यूनियन टेरिटरी रह गई, वहाँ इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन नहीं होते तो लोअर हाउस रहे ही नहीं, अपर हाउस रहे ही नहीं, तो जम्मू कश्मीर हटा दिया। तो जम्मू कश्मीर आप पर अब ट्रिक तो उसके साथ ही बनी थी ना, तू भी मजे कर, ए आंध्र प्रदेश और कर मतलब कर्नाटका। ठीक है, तो हमारी 8 लेजिस्लेशन, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लेजिस्लेशन में विधान परिषद होती है। ठीक है, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर लिया, हमने प्रियम्बल डिस्कस कर लिया, हमने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 15% वाला रूल, ऑर्डिनेंस, ये डिस्कस कर लिया। हमने ये वाली चीज़ डिस्कस कर ली कि हमें आर्टिकल 32 के अंदर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिलती है, उस राइट्स के अंदर हमने डिफरेंट राइट्स डिस्कस कर ली। हमने जुडिशरी को भी डिस्कस कर लिया, ये देखो हमने जुडिशरी को डिस्कस कर लिया, हमने हमारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को डिस्कस कर लिया, ये हमारे जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं हमने इसको डिस्कस कर लिया। मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये आपकी मॉड्यूल में CSET के लास्ट में दे रखा है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने ये पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस करा। पार्ट 1 में 4 होते हैं, पार्ट 2 में 7 होते हैं, पार्ट 3 के अंदर हमारे 12 to 35 होते हैं, हमें 4 पार्ट रिमेंबर करने हैं, टोटल पार्ट 22 होते हैं, पार्ट होते हैं ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स, और हमने फिर
ये फंडामेंटल राइट कितने होते हैं, पांच तरीके के होते हैं। अब इन पे आते हैं। देखो देखो, राइट टू इक्वलिटी थोड़ा बड़ा है तो उसमें अपन आएंगे। सबसे पहले अपन छोटे छोटे निपटा दें, ठीक है। हमने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निपटा दिया। अब हम इसके ऊपर वाला जो कल्चरल राइट है उनको निपटाते हैं। उसके अंदर दो आर्टिकल है, इसके अंदर दो आर्टिकल है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में दो आर्टिकल है। देखो, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर ये हमारी मॉड्यूल में, ये सिर्फ इसके आर्टिकल मेंशन नहीं है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बाकी सबके आर्टिकल मेंशन है। इसके अंदर हमारी मॉड्यूल में मेंशन नहीं है, पर दो आर्टिकल है तो हम उसको क्यों छोड़े। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, 29th आर्टिकल बात करता है कि राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, आर्टिकल इज इंटेंडेड टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप। एंड हमारा 30th आर्टिकल बात करता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मतलब जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है वो ये बोलते हैं कि अगर कंट्री में कोई माइनॉरिटी होएगी तो उसके पास राइट होगा अपनी लैंग्वेज को, अपनी आइडेंटिटी को, उन चीज़ों को प्रिवेंट करने का, और उसके साथ किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड, दो चीज़ होती है, फुल्ली बाय गवर्नमेंट या 50% उसको पैसा गवर्नमेंट देती है, तो गवर्नमेंट एडेड, तो उन जगह उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट का आर्टिकल हो गया, और ये हो गया कि कोई भी माइनॉरिटी अपना हिसाब से अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश कर सकती है, उसको खोल सकती है, अपनी टीचिंग दे सकती है, माइनॉरिटी की टीचिंग दे सकती है। तो हमारे ये दो आर्टिकल हो गए। बस हमें इतना इतना ही डिस्कस करना है कि भाई पहले तो हमने 5, 4, 2, 4, 2 एक याद कर लिया, और फिर हमने एक बार पढ़ लिया कि भाई इसमें माइनॉरिटी की बात होती है, और माइनॉरिटी के बाद राइट टू इस्टेब्लिश देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात होती है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर जाते हैं, राइट टू फ्रीडम में कितने हैं, चार। राइट टू फ्रीडम में कितने हैं, चार। देखो अब राइट टू फ्रीडम समझना, राइट टू फ्रीडम में कितने हैं, चार, ठीक है। राइट टू फ्रीडम के अंदर क्या बोलता है कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रपोगेट एनी रिलीजन। देखो सॉरी फॉर दैट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स हो गए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में बोलता है कि हमारे पास हमारी मर्जी का रिलीजन प्रैक्टिस करने की फुल इजाज़त होनी चाहिए, हमें हमारे रिलीजन अफेयर मैनेज करने की फुल इजाज़त होनी चाहिए। मतलब मैं अपनी मंदिर का, मैं अपने रिलीजन का कोई ट्रस्ट बना सकता हूँ, उसमें मैं लोगों से डोनेशन ले सकता हूँ, तो उसके रिलीजियस अफेयर मैं इस आर्टिकल के अंदर मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। ये 25 हुआ, ये 26 हुआ, ये 27 हुआ, ये 28 हुआ। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, मेरे पास राइट है रिलीजन का, मेरे पास रिलीजन इंस्टीट्यूशन इन रिलीजन अफेयर्स को मैनेज करने का राइट है, मेरे पास राइट है। अगर गवर्नमेंट मेरे को किसी भी रिलीजन के लिए टैक्स पे करने के लिए कंपेल नहीं कर सकती, वो ये नहीं बोल सकती हिंदू मेजोरिटी में तो हिंदू सारे टैक्स देंगे, मेरे पास मेरी मर्जी है, फ्रीडम हैज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैन नॉट कंपेल अस, ठीक है। और लास्ट हमारा हो गया कि फ्रीडम ये मेरी मर्जी है, मैं किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट में उस रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करूँ या नहीं करूँ। अगर कोई गवर्नमेंट एडेड है और उसमें रोज प्रेयर होती है तो हो सकता है कि ये मेरी मर्जी हो कि मैं प्रेयर अटेंड करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि मेरा रिलीजन हो सकता है ऐसा हो जो प्रेयर को अलाउ नहीं करता हूँ। तो फ्रीडम सो एज टू अटेंड एंड टेक पार्ट इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस दैट मे religions instructions that may take part in educational institute organized by state or receiving aid through state, ठीक है। ignore that sound, these will create, they will regularly come, we cannot do anything for that, sorry, I apologize, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, right to constitutional remedy बता दिया, कल्चरल राइट्स के अंदर दो राइट्स आते हैं, मेजोरिटी माइनॉरिटी को अपने राइट्स प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने का अधिकार है। उसके बाद हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर हमें बता दिया, हम कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके रिलीजन अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं। और थर्ड में हमने क्या था, तुम भी सोचो मैं भी सोच रहा हूँ, देखो देखो आएगा दिमाग में, थर्ड हमारा हो गया हम टैक्स हमारी मर्जी हमें देना ही नहीं देना, और फोर्थ हमारा वो स्कूल कॉलेज वाला हो गया कि रिलीजियस उस स्टेट गवर्नमेंट एडेड के अंदर हमारी मर्जी हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें या ना करें। तो हमने कितने कर लिए, 1, 2, 3 हो गए। राइट अगेन एक्सप्लोइटेशन कर ले, ये रहा राइट अगेन एक्सप्लोइटेशन में कितने हैं, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 2। इसको ध्यान रखें, इसका मैं एक्रोनियम पक्का ढूंढता हूँ। देखो अभी मेरे पास नहीं है पर मैं इसका एक्रोनियम पक्का ढूंढता हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एक मिनट मैं इसको पॉज करता हूँ, एक सेकेंड। हाँ तो अब हम राइट टू फ्रीडम कर रहे थे, हमने एक्सप्लॉयटेशन देख लिया, रिलीजन देख लिया, एजुकेशनल देख लिया, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, अब फ्रीडम का मतलब क्या, घूमना फिरना ये सारे राइट्स, तो ये इसमें
19 टू 22 में मेंशन है, ये याद करने पड़ेंगे, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस ये याद कर लेना कौन से आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। राइट टू फ्रीडम, हमने ये सब देख लिया हमने, ओ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं देखा अभी, सॉरी सॉरी, हम राइट टू एक्सप्लॉयटेशन देख रहे थे। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में दो ही आर्टिकल है क्या, एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते हम किसी को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हम, ह्यूमन बॉडी की सेल नहीं कर सकते कि मैंने तेरे को इसको बेच दिया, ये एकदम मतलब हमारा फंडामेंटल राइट है, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिशन प्रोहिबिट करता है ये, और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज प्रोहिबिट करता है, दो आते हैं इसमें, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, एजुकेशनल में दो आते हैं कि माइनॉरिटी वाला, और माइनॉरिटी अपना स्टैब्लिश कर सकते हैं। रिलीजियन में होते हैं वो अपना रिलीजियन प्रोफेस प्रोसेस वो कर सकता है, दूसरा रिलीजन अफेयर्स मैनेज कर सकता है, टैक्स वाला चीज़ हो गई, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उसको रिलीजन इंस्ट्रक्शन अगर वो स्टेट का है तो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन में पहला हो गया प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एकदम वॉइड है, वॉइड मतलब एकदम जीरो, एकदम जीरो बोले तो कि खत्म, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज इज नॉट अलाउड। अब हम राइट टू फ्रीडम कर रहे थे, राइट टू फ्रीडम 1922 के अंदर मेंशनड है, चार आर्टिकल्स आते हैं इसके अंदर। राइट टू फ्रीडम मतलब घूमने फिरने का, टोटल फंडामेंटल राइट छः होते हैं, ठीक है। अब देखो राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम क्या चीज़ है, राइट टू फ्रीडम है हमारा, आज सबसे पहले आर्टिकल 19 देखते हैं, ये छह फ्रीडम गारंटी करता है। छह फ्रीडम कौन सी गारंटी करता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम हम बोल सकते हैं, हम ग्रुप्स में रह सकते हैं, हम कोई सी भी यूनियन एसोसिएशन बना सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम ग्रुप्स में रह सकते हैं, हम कहीं पर भी असेंबल हो सकते हैं, मतलब झुंड बना सकते हैं, कोई रैली निकाल सकते हैं विदाउट आर्म्स, हम इंडिया की टेरिटरी में घूम सकते हैं, हम इंडिया की टेरिटरी में कहीं पर भी रिसाइड कर सकते हैं, और हम अपना कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो राइट टू फ्रीडम के अंदर आर्टिकल 19, तो ये सारे सब क्लॉज है, 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(3)(c), 19(1)(d), 19(1)(e), 19(1)(f). राइट टू फ्रीडम बहुत कॉमन है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। छह फ्रीडम मिलते हैं, ठीक है। टोटल हमारे फंडामेंटल राइट छः होते हैं, छः के अंदर सेकेंड वाला राइट टू फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम के अंदर हमें फर्स्ट आर्टिकल 19 से छः राइट टू फ्रीडम मिलते हैं, 19(1) से, 19(1) ये सारे सब क्लॉजेज है, सब क्लॉजेज मतलब 19(1) क्लॉज, क्लॉज का सब क्लॉज उसका पार्ट, ठीक है। 19(1)(2), 19(1)(2) क्या बोलता है, वही बात बोली है जो मैं बार बार बोल चुका हूँ अपने पार्ट वन और पार्ट टू के अंदर, कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है, अगर वो राइट्स है। अब देखो तुम कहीं पर असेंबल हुए, सब लोग गन लेके असेंबल हुए, तो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एक तरीके से खतरे में, पब्लिक ऑर्डर खतरे में, डिसेंसी खतरे में, मॉरेलिटी खतरे में, लोगों को डर लगने लग जाएगा, ठीक है। और अगर तुम किसी रैली के अंदर भड़काऊ भाषण दे रहे हो कि आओ आओ ये करें हम ये करते हैं, तो वो बहुत गलत चीज़ है, तुम इंसाइटमेंट टू ऑफेंस कर रहे हो, तुम इंडिया की इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहे हो, तुम सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को कर रहे हो कंसर्न, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर अगर तुम इन रिस्ट्रिक्शन के अंदर आते हो तो तुम अपने राइट को एप्लीकेबल नहीं कर पाते। ये राइट्स अवेलेबल है विद सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कितनी सही बात है, असेंबल करना है विदाउट आर्म्स का असेंबल करो, अगर तुम आर्म्स का असेंबल करोगे तो तुम्हारा ये राइट हम तुमसे ले लेंगे, ठीक है। ये बात हो गई सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंड रिलेशन, हमारे रिलेशन अगर किसी तुम्हारी वजह से किसी कंट्री से ख़राब होते हैं, तुम प्रोटेस्ट निकाल रहे हो उस कंट्री के खिलाफ, तो गलत बात है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, तुम अपने राइट को करने के लिए किसी और के राइट का तुम डिफेमेशन कर रहे हो, तो ये गलत चीज़ है, तुम अपने काम से मतलब रखो, एक यही होना चाहिए, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस हो गया, ठीक है। आर्टिकल 20 मॉड्यूल में गिवन नहीं है पर बहुत ईजी है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि राइट टू फ्रीडम का पार्ट है और इसमें तीन वर्ड है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम के अंदर तीन वर्ड है, मतलब आर्टिकल 20 में देखो, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, डबल जियोपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, फटाफट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज क्या होते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज होते हैं कि मैंने क्राइम करा है 12 मई को, 12 मई को मेरे को क्राइम की 2 ईयर की सजा मिल रही थी, 12 मई को क्राइम की 2 ईयर की सजा मिल रही थी, 14 मई को पार्लियामेंट ने एक लेजिस्लेशन लाया और बोला कि अब से जो मैंने क्राइम करा है, अब से मतलब जो ये वाला जनरल क्राइम है उसकी सजा 4 ईयर की हो गई, तो अब
तुम बताओ मैं 2 ईयर करूँ, 2 ईयर का करूँगा या 4 ईयर का, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना मेरे को कौन सी एप्लीकेबल होगी। तो लॉ ये बोलता है कि तुम्हें वो ही सजा एप्लीकेबल होगी जो तुम्हें उस टाइम जो लॉ था उसके अंदर लिखी हुई थी। अगर बाद में कोई चेंज होते हैं तो वो पास्ट में जाके अप्लाई नहीं हो सकते, वो फ्यूचर के ही गाइडलाइंस रहेगी। तो मेरे को 2 ईयर की ही सजा होगी। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव लॉस की बात करते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ही होता है कि हम किसी लॉ को पुरानी डेट से अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब हो गया। डबल जियोपार्डी की, डबल जियोपार्डी मतलब मैंने, मेरे को एक बार 10 साल की मर्डर की सजा हो गई, फिर दोबारा मेरे पे केस कर दिया, दोबारा मेरे को 10 साल की सजा दिला दी, ऐसा नहीं होता। डबल जियोपार्डी का मतलब हुआ नो वन विल बी कन्विक्टेड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। एक ही ऑफेंस के लिए कोई भी दो बार सजा, किसी को भी दो बार सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। तीसरा हो गया सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी अपने खिलाफ विक्टिम, अपने खिलाफ विटनेस नहीं हो सकता। पुलिस मेरे को कन्फेशन करा रही है, कन्फेशन करा रही है, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोर्ट में कोई भी कन्फेशन वैलिड नहीं होता। खुद का जो पुलिस कन्फेशन कराती है वो कोर्ट में वैलिड नहीं होता, अगर तुम खुद एक्सेप्ट करते हो तब वैलिड होता है। तुम्हें कोई भी कंपेल नहीं कर सकता कि करो करो, तुम ये मानो ये, तुम ये मानो। द अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अल्टिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी। तुम्हें लॉ हमेशा यही मानते हैं कि तुमने कुछ नहीं करा जब तक तुम गिल्टी प्रूफ नहीं होते। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, नो वन विल बी कंपेल्ड टू बी द विटनेस अगेन अगेन हिमसेल्फ, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम के अंदर आर्टिकल 19 हमारा 6 फ्रीडम की बात कर रहा है, 19(2) के अंदर हमें रिस्ट्रिक्शन बता रहा है, आर्टिकल 23 में इसकी बात कर रहा है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 हमें बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि नो पर्सन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। पुलिस ने बोला अच्छा इसने क्राइम करा है, इसको चलो इसको डेथ पेनल्टी दे दो, ऐसा नहीं होता। कोई भी जने को डेथ पेनल्टी, कोई भी अपनी लाइफ से, अपना राइट टू लाइफ से, अपने राइट टू लाइफ से कोई किसी को भी हम उसका राइट टू लाइफ छीन नहीं सकते, पर छीन सकते हैं एज पर एज प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब जो लॉ ने बोला है कि इस क्राइम के लिए इतनी सजा है, वो सुप्रीम, वो सेशन कोर्ट गया, सेशन कोर्ट ने कहा देखो सजा मिलेगी, वो हाई कोर्ट गया, वो सुप्रीम कोर्ट गया, उसने अपने सारे लॉ यूज़ कर लिए, उसको प्रॉपर डिफेंस का मौका मिला, उसको प्रॉपर लॉयर दिए गए, उसको अपनी बात कहने का मौका मिला, उसको अपने आप को सच प्रूफ करने का मौका मिला, पर वो नहीं कर पाया, मतलब वो गिल्टी है, तो उसको तब जाके फांसी की सजा मिल सकती है। तो नो पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। जो हमारा लॉ बोलता है उस प्रोसीजर से सारी चीज़ें चलेगी तो होगा। ये लॉ रीजनेबल होना चाहिए, ये आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, मतलब कि और डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए कि इस पे ये लगेगा इस पे ये लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जनरल बात हो गई। अब सुनो आर्टिकल 21 के ए के अंदर, राइट टू फ्रीडम के अंदर ही इन्होंने 21 ए का अमेंडमेंट करके, अमेंडमेंट इसका ध्यान रख लेना, ध्यान रखना 86 अमेंडमेंट है टोटल। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था हमारे 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, उसमें ये 86 अमेंडमेंट है। इसके अंदर आर्टिकल 21 के अंदर ए लगा के इसको ऐड करा गया है, जो बोलता है राइट टू एजुकेशन, 6 से लेकर 14 साल तक के हर बच्चे को अगर एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की एजुकेशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी है। ये 2002 के अंदर पास हुआ था, ठीक है, ये चीज़ हो गई। 21 ए मैंने बता दिया आपको 86 अमेंडमेंट से हुआ। फिर लास्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम के अंदर 22, ये भी आपके मॉड्यूल में मेंशन नहीं है, पर जनरल इतनी इतनी सी बात ध्यान रखनी है हर आर्टिकल की कि आर्टिकल क्या बोलता है एक वर्ड के अंदर। इससे ज़्यादा एमसीक्यू में डिटेल में नहीं आएगा, बिल्कुल इनके सब क्लॉजेस के चक्कर में नहीं पड़ना, ये एग्जीक्यूटिव तक लेवल के अंदर नहीं आते इनके सब क्लॉजेस डिटेल के अंदर, ठीक है। तो हमारा आर्टिकल 22 हो गया। आर्टिकल 22 बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये बोलता है कि जो अरेस्ट हुआ है ना उसके भी अपने राइट्स हैं, किसी को हमने किसी इंजाम के लिए अंदर अरेस्ट कराया तो उसके भी अपने राइट्स हैं। उसके राइट्स क्या हैं कि उसको उसको 24 आवर्स के अंदर एक रूल होता है कि
किसी को अरेस्ट करने के बाद 24 आवर्स के अंदर उसको किसी ना किसी कोर्ट के अंदर जज के सामने पेश करना पड़ता है, उसकी सुनवाई होती है सबसे पहले 24 आवर्स के अंदर। उसको राइट है कि वो अपने डिफेंस को फ़ोन कर सके, उसको राइट है कि वो अपना डिफेंस करने के लिए किसी को हायर कर सके। तो ये जो आर्टिकल 22 बताता है, राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। उसको ये पूछने का भी हक है कि मेरे को किस ग्राउंड पे आपने अरेस्ट करा है, और नॉर ही शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाई लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है, तो इसको ये सारी चीज़ें करने का हक है। तो हमने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज करा, राइट टू एजुकेशनल के अंदर हमने माइनॉरिटीज़ वाला सेक्शन करा, और फिर माइनॉरिटीज़ को एजुकेशनल स्टैब्लिश करने वाली चीज़ करी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर हमने चार चीज़ें देखी, प्रैक्टिस, रिलीजन अफेयर, टैक्स, और एक और देखो याद आएगा, तुम भी सोचो, फोर्थ वाला, हाँ वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वाला था स्कूल कॉलेजेस के अंदर। फिर हमने राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन में देखा, फोर्स लेबर वाला राइट था, और हमारा वो चिल्ड्रन वाला राइट था कि चिल्ड्रन को फैक्ट्रीज में वर्क नहीं कर सकते। फिर हमने राइट टू फ्रीडम में छः, इसमें चार आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 19 हमारा, छः हमें गारंटी करता है फ्रीडम, छः फ्रीडम गारंटी करता है। ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो फ्रीडम गारंटी करता है। फ्रीडम के भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं जो 19 सब क्लॉज 2 के अंदर दे रखे हैं। फिर हम आर्टिकल 20 पे जाते हैं। आर्टिकल 20 में हमारे तीन हैं, पोस्ट फैक्टो लॉज, सेल्फ इंक्रिमिनेशन और डबल जियोपार्डी। फिर आर्टिकल 21 में जाते हैं। आर्टिकल 21 के अंदर हमारे ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ के बारे में बात करी है, और आर्टिकल 22 के अंदर हमारे अरेस्ट हुआ है उसके राइट्स के बारे में बात करी, और 21A 86th अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ था। तो हमने ये बात कर ली। अब हमारा राइट टू इक्वालिटी बचा है, राइट टू इक्वालिटी बचा है, और मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बचा है। इस चैप्टर के अंदर से ये दो चीज़ बची है, इसको अपन करते हैं। 2 मिनट का मैं वाटर ब्रेक ले लूँ, फिर अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ, तो राइट टू इक्वालिटी और मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बचे हैं। राइट टू इक्वालिटी के अंदर 5 आर्टिकल हैं। चलो हम राइट टू इक्वालिटी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एक मिनट मैं देख लूँ ये कहाँ पर है हमारा राइट टू इक्वालिटी। ये मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आपकी नोटबुक के अंदर लास्ट में दे रखे हैं। एक मिनट बस, राइट टू इक्वालिटी का आया था। हाँ तो सुनो, अब हम करते हैं हमारे ये, अब देखना, ये जो मैंने एक्सप्लेन करी थी ना चीज़ें, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था इस चीज़ के लिए कि देखो, फंडामेंटल राइट्स नॉन जस्टिसेबल होते हैं नेचर में, फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल होते हैं नेचर में, फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसेबल होती है नेचर में, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे नॉन जस्टिसेबल होते हैं। हम इनको, इन दोनों को एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते जब तक लेजिस्लेशन इसको कानून बना के लीगल नहीं करता, और ये ऑटोमेटिक हो गए। ये मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अब मैं ये राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे थे हम, फिर हम फंडामेंटल ड्यूटी भी देख लेंगे। राइट टू इक्वालिटी देखो, ये फंडामेंटल राइट के नीचे मैंने लिख रखा है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 12 to 35। अब देखना हमारा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी क्या चीज़ है। एक और चीज़, ये जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे मैग्ना कार्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। मैग्ना कार्टर वॉज अ रिटन डॉक्यूमेंट ड्राफ्टेड इन इंग्लैंड 800 years बैक फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच द पीपल्स आर गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर राइट्स। सिटीजन्स को पहली बार इस मैग्ना कार्टर में अपने राइट्स का इन्फॉर्मेशन मिला था इंग्लैंड के अंदर 800 साल पहले। तो इसको फंडामेंटल राइट्स को हम मैग्ना कार्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी के अंदर 5 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। राइट टू इक्वालिटी आपकी मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा तरीके से मेंशन है, मतलब किसी और आर्टिकल में आपके अंदर सब क्लॉजेज इतने सारे मेंशन नहीं है, किसी भी और अपने फंडामेंटल राइट में इतने सारे सब क्लॉजेज मेंशन नहीं है, पर इसमें बहुत सारे सब क्लॉजेज मेंशन है। तो मैं इसको डिस्कस करता हूं, पर उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूं, अपन इसको लास्ट से चालू करते हैं, 14, 15, 17, 18। देखो 17, 18 तो बहुत ईजी है, 17, 18 सिर्फ ये बात बोलता है कि 17 में अनटचेबिलिटी अबॉलिश करते हैं, 17 के अंदर क्या अबॉलिश करते हैं, अनटचेबिलिटी अबॉलिश करते हैं, और 18 के अंदर क्या करते हैं, टाइटल्स अबॉलिश करते हैं। टाइटल्स बोले तो पहले के टाइम में ब्रिटिशर्स लोगों को सर
ऐसे करके बहादुर, ऐसे करके टाइटल्स दिया करते थे। तो वो चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अबॉलिश कर दी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोला कि कोई टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे, ऑल विल बी इक्वल गवर्नमेंट के द्वारा टाइटल्स। अब इस चीज़ को पद्म विभूषण इन चीज़ों से कन्फ्यूज मत करना, वो अलग है। टाइटल बोले तो सर इन चीज़ का टाइटल नहीं दिया जाएगा, वो एक तरीके से अवार्ड है। कोई भी गवर्नमेंट टाइटल नहीं देगी। तो 1718 से इतना ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, अनटचेबिलिटी को अवॉइड करता है, 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स करता है। ठीक है, अब हम करते हैं राइट टू इक्वलिटी का पहला आर्टिकल जो 14 है। 14 में क्या होता है, देखो राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी क्या है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्वलिटी का बेसिक मतलब ये है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन सरकारों द्वारा जो हमें लीड कर रही है उनके द्वारा हमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, यही इक्वलिटी का बेसिक मीनिंग है। तो आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 क्या बोलते हैं, मेन चीज़ें देखो याद करने की क्या है। आर्टिकल बहुत बड़े बड़े हैं, हमको इतना नहीं करना, हमें उनकी पॉइंट पकड़ना है क्या है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज रिटन इन आर्टिकल 14 ऑफ राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, अब इक्वल इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, ये क्या इसका मतलब ये है कि लॉ ये नहीं देखेगा कि क्राइम राजा ने करा है या किसी गरीब आदमी ने करा है। लॉ ये नहीं देखेगा कि क्राइम किसने करा है। लॉ ये देखेगा क्राइम करा है तो सबको इक्वल पनिशमेंट मिलेगी अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, कोई किंग क्राइम करेगा तो भी उसको, किंग मर्डर करेगा तो भी उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा, और अगर कोई गरीब आदमी मर्डर करेगा तो उसको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा। लॉ विल बी ब्लाइंड नॉट सी रिच एंड पुअर, नो वन विल बी अबव द लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, अब जैसे एक लेडी जस्टिस, लेडी जस्टिस होते हैं ना, कई बार देखा होगा वो जो लॉ के अंदर एक जना होता है जो अपनी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड करके और हाथ में तराजू लिए खड़ा होता है। तो ब्लाइंड फोल्ड क्यों होता है, कि लॉ नहीं देखेगा कि भाई तू कौन है, हमें तेरे से मतलब ही नहीं है कि तू कौन है। तो ये हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, मॉड्यूल में भी मेंशन है। ये क्या बोलता है कि लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक्स। ये क्या बोलता है, लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक्स। इसका मतलब मैं बताता हूँ, इसका मतलब ये है कि देखो दो बच्चे घर के अंदर, एक 20 साल का है और एक 10 साल का है, तो दोनों अगर अपन इसके हिसाब से चले इक्वलिटी बिफोर लॉ से, तो वो तो बोलेगा दोनों को एजुकेशन सेम दो, दोनों को हर चीज़ सेम करो, दोनों को कपड़े सेम पिलाओ। पर ऐसे नहीं होता ना, उसमें भी कैटेगराइजेशन होना ज़रूरी है। जो 20 साल वाली कैटेगरी का है उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होना चाहिए, और जो 2 साल, जो 10 साल वाली है, 1 साल वाली कैटेगरी का है, उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे तुम क्लास के अंदर गए और एक 12th वाला और 5th वाले दोनों को बुला लिया और बोला कि दोनों 12th वाले का टेस्ट दो, तो 12th वाले के लिए तो अच्छा हो गया, 5th वाला कर पाएगा उसको, नहीं कर पाएगा। तो इक्वेलिटी का मतलब ये भी होता है कि इक्वेलिटी तो होनी चाहिए पर साथ में रीजनेबल दिखना भी तो चाहिए, इक्वालिटी हो रही है। तो जो 12th वाला बच्चा है उसको अलग टेस्ट दो, 5th वाले बच्चे को अलग टेस्ट दो। तो लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक्स, तो ये बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, दस दिस प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चिल्ड्रन वुमेन के लिए काफी लॉज इस सेक्शन के मदद से बनाए जाते हैं। क्योंकि ये बोलता है लॉज कहाँ से बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ ना कुछ चीज़ें दी होती है, उसको हम ला के लॉ बनाते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक्स, ऐसा नहीं होगा 20 साल का 10 साल का दोनों वो सेम तरीके से ट्रीट हो सके। तो इक्वेलिटी, तो इससे हमें स्पेशल ये होता है राइट टू इक्वेलिटी के अंदर। ठीक है, तो आर्टिकल 14 मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखना आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या बोलता है। आर्टिकल 14 में दो ही चीज़ें, कीवर्ड्स इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। प्लीज़ इनको याद रखना, की पॉइंट्स याद रखो, कॉन्सेप्ट समझो, बाकी रट्टा नहीं लगाना। आप देखो आर्टिकल 15 में कितने सारे सब क्लॉज दे रखे हैं, पर इतने सारे सब क्लॉज का मेरे हिसाब से कोई भी मतलब नहीं है। मेन बात है आर्टिकल 15 समझ आना चाहिए क्या होता है। आर्टिकल 15 ये बोलता है कि स्टेट स्टेट कभी भी किसी के सेक्स, रिलीजियन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पर कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ऐसा स्टेट बोलता है, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, ओनली, अब सुनना मेरी बात, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ऐसा नहीं होगा सिर्फ कि वुमेन है तो चलो वुमेन को
अपन ने प्लेन में एंट्री देना बंद कर दिया, ऐसे एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो क्यों एंट्री देना बंद करा? कोई इसका रीज़न नहीं है, क्यों रीज़न, कोई उसका रीज़न है नहीं है रीज़न, क्या रीज़न गवर्नमेंट दे रही है कि हम वो वुमेन है इसलिए हमने बंद कर दिया? तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन ऑन गेज। अब देखना ये बोल रहा है ओनली, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, कोई भी राइट है ना फंडामेंट, कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कोई भी राइट सिर्फ, हाँ भाई कंप्लीट राइट नहीं है, उसके साथ रिस्ट्रिक्शन है। इसने ओनली वर्ड से रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दी। अगर तुम्हारे पास उसको डिस्क्रिमिनेशन करने का कोई वैलिड रीज़न है, कोई रीज़न है तुम्हारे पास कि हम डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन फिर वैलिड है। अब जैसे मैं बताऊँ, वुमेन्स को एयरप्लेन के अंदर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है वो एयर हॉस्टेस के लिए, तो ठीक है भाई वैलिड डिस्क्रिमिनेशन है क्योंकि उनका नेचर अच्छा होता है। मेंस को हैवी इंडस्ट्रीज में ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो हाँ भाई वैलिड डिस्क्रिमिनेशन हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर वुमेन के लिए अच्छी बात नहीं है काम करना। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कैन बी देयर, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कैन बी देयर, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिस्क्रिमिनेशन अच्छे के लिए विद अ वैलिड रीजन, विद अ वैलिड रीजन। तो ये डिस्क्रिमिनेशन की चीज़ हो गई। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगर तुम्हारे पास वैलिड रीजन है तो डिस्क्रिमिनेशन चलेगा। ठीक है, आर्टिकल 15 सिर्फ इसके बारे में बात करता है, इसके सब क्लॉज को अपन को रट्टा नहीं मारना, आर्टिकल 14 का बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। बाकी 6 सब क्लॉज मैं बता देता हूँ, और सुनो इससे ही, आर्टिकल 15 से ही एक तरीके से हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी निकलती है, जो राइट टू इक्वालिटी के जो 14-15 आर्टिकल है ना, इन सबको इंटरलिंक करके हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी निकलती है, रिजर्वेशन पॉलिसी इनसे ही निकलती है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ हो गई, स्टेट विल नॉट डू एनी डिस्क्रिमिनेशन, स्टेट भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, सिटीजन भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अगर कोई पब्लिक वेल है उसके अंदर कोई सिटीजन किसी दूसरे सिटीजन को रोक नहीं सकता कि भाई तू इसमें से पानी मत ले, क्योंकि पब्लिक वेल है, तो सिटीजन्स भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। स्पेशल प्रोविजन बनाने चाहिए वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट हो गया। और डिस्क्रिमिनेशन का बेसिक मतलब यह होता है कि इट इज समथिंग विच कॉजेज लॉस टू अदर पर्सन। डिस्क्रिमिनेशन कैसे, प्राइम मिनिस्टर का दोस्त था, उसको है ना प्राइम मिनिस्टर ने कोई बड़ी पोस्ट दे दी, डिस्क्रिमिनेशन करा, तो उससे लॉस किसको हुआ, जो वो पोस्ट डिजर्व करता था उसको लॉस हुआ। पर हम इधर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, मतलब तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें मैं एक और है कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देखो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लास्ट में डिस्कस करेंगे, पर फर्स्ट और 86, इससे पहले 86 अमेंडमेंट आया था। 86 अमेंडमेंट क्या था, 86 अमेंडमेंट रिकॉल करो और कमेंट बॉक्स में टाइप करना, 86 अमेंडमेंट क्या था हमारा, 86 अमेंडमेंट हमारा राइट टू एजुकेशन का अमेंडमेंट था, मैंने सेकंड वीडियो में डिस्कस करा था। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से SC ST के लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई थी, क्योंकि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक्स एंड देर कैन बी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया। ठीक है, ये अब सुनना, इसके अंदर एक और चीज़ है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर रिजर्वेशन भी इसी आर्टिकल को अमेंड वमेंड करके लाए थे। इट ब्रॉट प्रोविजन स्पेशली रिलेटेड टू दीज पीपल इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो पब्लिक हो प्राइवेट हो कुछ भी हो, उसके लिए ये लोग अमेंडमेंट लाए थे। ठीक है, और अब इसको ही अमेंड करके जो हमारा 103rd अमेंडमेंट आया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन, EWS का 10% रिजर्वेशन, वो भी इसको ही अमेंड करके आया है। तो ठीक है, आर्टिकल 15 समझ में आ गया। आर्टिकल 14 क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 क्या, आर्टिकल 15 में हमारे 5-6 प्रोविजन से डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, पर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, इसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन चलेगा। SC ST का रिजर्वेशन इससे आया, किससे आया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, 86 से क्या आया था, राइट टू एजुकेशन आया था, और अभी 103rd से क्या है, EWS आया। टोटल अमेंडमेंट हमारे कितने हुए, टोटल अमेंडमेंट आज तक 104 हुए, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, टोटल अमेंडमेंट हमारे 104 हुए। ठीक है, आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 17 18 मैंने बता दिया, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और अबॉलिशन ऑफ राइट्स के बारे में। आर्टिकल 16 ये बोलता है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर इक्वेलिटी होनी चाहिए, ये आपके मॉड्यूल में और गिवन है, इसको मैं जब हमारी मॉड्यूल को वेरीफाई करने वाला लेक्चर होगा उसके साथ डिस्कस कर दूंगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यही चीज़ है कि भाई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर है ना इक्वलिटी होनी चाहिए। अब उसमें भी अमेंड करके हमने रिजर्वेशन ला दिया, क्योंकि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट वही है, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, जो लोग
मतलब कंपैरिजन दो सेम चीजों का हो सकता है, ऊपर नीचे का कंपैरिजन करना मुश्किल है। ऊपर नीचे का कंपैरिजन करने के लिए उस नीचे वाले को ऊपर लाना है, तो इससे हमारा राइट टू इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब एक चीज मेरे को याद आई है, ये हमने राइट टू इक्वालिटी कर लिया, अब ये जो हमारा राइट टू फ्रीडम है, इस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से ही मीडिया डिराइव्स इट्स पावर, मीडिया डिराइव्स इट्स पावर, मीडिया इससे ही अपनी पावर डिराइव करता है। मैंने मोस्टली चीज़ें कवर कर दी मॉड्यूल की, अगर कोई चीज़ और होगी तो वो मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो, मेरी थ्री उसकी स्ट्रैटेजी थी, पहली वाली मॉड्यूल के नोट्स डिस्कशन, सेकंड मॉड्यूल को डिस्कशन आपके सामने, और थर्ड हमारी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, तो वो मैं सब करूंगा। ये नोट्स मैं व्हाट्सएप पे कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने के बाद प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब हम एक बार फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फटाफट देख लेते हैं। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसेबल होता है, मैं 10 बार बोल चुका। हाँ अब एक और चीज़ देखो, मैंने बोला था चार पार्ट इंपॉर्टेंट है, पर मैंने पार्ट तो अभी तक तीन ही बताए, मैंने फंडामेंटल राइट तक के पार्ट बताए, तो देखो ये पार्ट फोर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट फोर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पहले पार्ट फोर ये था, है मतलब ये पार्ट फोर है, 36 to 51 आर्टिकल तक हमारा पार्ट फोर है, 36 to 51 आर्टिकल तक हमारा पार्ट फोर है। और रिसेंटली रिसेंटली अब देखो 4A ऐड हुआ था, कब ऐड हुआ था, मैंने क्या बोला सबसे बढ़िया तुक्का क्या है, 42 अमेंडमेंट जो इंदिरा गांधी ने करा था इमरजेंसी के टाइम 1976 के अंदर। तो 4A फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पार्ट फोर के अंदर अमेंड करके ऐड करी गई है, और आर्टिकल 51A, 51 तक खत्म हो गए थे पार्ट 4A, तो इन्होंने क्या करा पार्ट 4A बनाया, 51A बनाया, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कर दी। फंडामेंटल तो हम फंडामेंटल ड्यूटीज 11 होती है, ये सीधा हम इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत बेसिक चीज़ है, उसको अगर मैं पेपर में लिखता तो वो टाइम वेस्ट होता। ठीक है, मैं ये तो मतलब जो हमें लगता है ना होनी चाहिए वो ही है। अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसेबल होती है, ध्यान रखना। ठीक है, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, एकदम सही बात है, हमें हमारे नोबल आइडियाज जिन्होंने हमें नेशनल स्ट्रगल दिलाई है, उनके जो नोबल आइडियाज है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारी ड्यूटी है करनी चाहिए, हमें अपने कंट्री को डिफेंड करना चाहिए जब वॉर टाइम हो, करना चाहिए, हमारी ड्यूटी है। हमें हमारी कंट्री की यूनिटी को बरकरार रखना चाहिए, उसकी यूनिटी टूटे ना उसके लिए हम कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, हमें कॉमन ब्रदरहुड से रहना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, डिफरेंट रिलीजन को एक साथ विदाउट एनी कम्युनल वॉयलेंस सर्वाइव करना चाहिए, एकदम ठीक बात है। ठीक है, हमें हमारी रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, एकदम ठीक बात है। हमारे हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एकदम ठीक बात है। हमें रिफॉर्म लाना चाहिए और इंक्वायरी करते रहना चाहिए, मतलब वी शुड बी वेल इंक्वायर्ड अबाउट द करेंट सर्कमस्टेंसेस दैट इज गोइंग इन द कंट्री। ठीक है, और लास्ट हो गया हमारा कि टू स्ट्राइव टूवर्ड्स इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली एक्ट सो द नेशन गुड, हमारी नेशन राइज करना चाहिए अलग अलग साथ साथ, मतलब यही 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। रिस्पेक्ट करो हमारे नेशनल फ्लैग को, एनवायरमेंट को कंजर्व करो, यूनिटी साथ में रहो, यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करो, बी इन्फॉर्म्ड एंड बी इंक्वायर्ड रहो, रिच हेरिटेज को प्रोटेक्ट करो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, कॉमन ब्रदरहुड के साथ रहो, कंट्री को डिफेंड करो व्हेन द कंट्री नीड्स यू, और नेशन कॉन्स्टेंटली उसको नेशन को हमें इंडिविजुअल एफर्ट से और कलेक्टिव एफर्ट से नेशन को कॉन्स्टेंटली राइज करते रहना चाहिए। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज देखो, याद सीक्वेंस में करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा कि दो तो फंडामेंटल राइट्स, दो तीन फंडामेंटल ड्यूटीज दे देंगे और एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं देंगे, तो वो बोलेंगे कि इसमें से है ना कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो तुम बस एक बार पढ़ते, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको बाय हार्ट लर्न करने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये भी अपन अभी मॉड्यूल से देखते होते क्या है, मैंने आपको बता दिया मियर गाइडलाइंस है। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स बोलते थे कि हमें गाय को नहीं मारना चाहिए, तो ये पर फिर भी इंडिया में आजकल कई जगह गाय की हत्या होती है, तो क्या हम क्या उसको एनफोर्स कराने जा सकते हैं हाई कोर्ट कि गाय को नहीं मारना चाहिए, डायरेक्ट प्रिंसिपल में लिखा, हाई कोर्ट बोलेगी दे आर नॉन एनफोर्सेबल, वो मियर गाइडलाइंस है। पर कुछ स्टेट ने रूल बना दिए कि जो गाय को मारेगा उसको हम इतने साल की सजा देंगे, उन्होंने कुछ रेगुलेशन लगा दिए, उन्होंने कोई लेजिस्लेटिव प्रिंसिपल को इनिशिएट कर दिया, अब उसके अंदर तुम कुछ करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तो ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए, दे आर मियर गाइडलाइंस नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, ये
चीजें हो गई। पार्ट फोर में गिवन है, 36 to 51 में गिवन है। अब इसको बिल्कुल भी बाय हार्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर तुम इतना बाय हार्ट करोगे ना तो फिर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भूल जाओगे। तुम्हें पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सी एस ई टी ये नहीं है कि तुम कितना अच्छा रट्टा मारते हो, सी एस ई टी ये है कि तुम्हें कितने अच्छे कॉन्सेप्ट पता है कि चीज़ें क्या कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो अब देखो मेरी थोड़ी आदत लास्ट से चालू करने की है, तब देखना क्योंकि लास्ट से अच्छा लगता है। ठीक है, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है कि एजुकेशन हमें चिल्ड्रन को फ्री देनी चाहिए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद फॉलो नहीं हुआ, पर क्या हुआ, 86 अमेंडमेंट आ गई। 86 अमेंडमेंट में इसको रूल बना दिया, गवर्नमेंट को राइट टू एजुकेशन एक्ट लाना पड़ा, तो अब ये रूल बन गया। यही चीज़ मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ। ठीक है, ये मियर, अब देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि सारे रिलीजन के लोगों पर एक ही कोड लगेगा कि वो कितनी शादी कर सकते हैं, कितनी चीज़ें कर सकते हैं। ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, कोई रूल नहीं है, इसको कोई एनफोर्स नहीं कर सकता। अभी हमारी हमारी स्टेट की ड्यूटी प्राइमरी होनी चाहिए कि वो न्यूट्रिशन लेवल और स्टैंडर्ड बढ़ाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स स्टेट को बता रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनको गुड स्टैंडर्ड वर्कर्स की मेंटेन करके रखना चाहिए, उनको मैनेजमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री को मेंटेन करके रखना चाहिए, उनको मिनिमम ह्यूमन कंडीशन देनी चाहिए, ह्यूमन कंडीशन देनी चाहिए फॉर वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ। ह्यूमन कंडीशन देनी चाहिए, जब मेटर्निटी हो तो उस पीरियड के अंदर उनको रिलीफ देना चाहिए वर्कर्स को, ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलता है। ठीक है, सिक्योरिंग प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन होनी चाहिए, और इन केस ऑफ और पब्लिक, देखो ये बोलता है कि राइट टू वर्क होना चाहिए। अब सबको राइट टू वर्क अभी इतनी बड़ी कंट्री में इंप्लीमेंट कैसे करें, अगर सबको हमने राइट टू वर्क दे दिया तो ये अभी इंप्लीमेंट नहीं है, दे आर मियर गाइडलाइंस। राइट टू एजुकेशन, और अगर जो ओल्ड एज लोग हैं, अनएम्प्लॉयड है, उनको पब्लिक असिस्टेंस मिलनी चाहिए, विलेज को सेल्फ सफिशिएंट बॉडी बना के रखना चाहिए, विलेज को थोड़ा पावर देनी चाहिए, विलेज पंचायत को ग्रो कराना चाहिए, फ्री लीगल एड देनी चाहिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इस पर भी काफ़ी रूल्स हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते आज की डेट में वो फ्री लीगल एड ले सकते हैं, अगर वो साबित कर सके कि वो अफोर्ड नहीं कर सके। तो इसको भी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया, अब और है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, बहुत सुना होगा तुमने, पर ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। दे आर मेयर गाइडलाइंस, एक बार इसको रीड करना। हेल्थ केयर अच्छी होना चाहिए, वर्कर्स की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, मतलब सारी चीज़ें जो अपन सोचते हैं ना कि सोसाइटी में होनी चाहिए, आइडियल सोसाइटी में, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की गाइडलाइंस में गिवन है। बाय हार्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। पार्ट फोर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, नॉन जस्टिसेबल है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता क्या है, एमसीक्यू में बहुत ईजी टू ईजी आएगा तुमसे, ये कोई नहीं पूछने वाला कि बी के अंदर सेकेंड वाला कितना है, इतना याद करना पॉसिबल नहीं है, और नहीं सीएससीईटी वाले मेरे अकॉर्डिंग चाहते हैं कि तुम लोग इतना याद करो। ठीक है, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या लिखा है, वेलफेयर ऑफ द पीपल करो, वेलफेयर ऑफ द पीपल करेंगे, एडुकेट मीन्स दो उनको लाइवलीहुड के लिए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो। ठीक है, और ये क्या बोलता है कि मटेरियल और रिसोर्सेज, पूरे इंडिया के अंदर जितने रिसोर्सेज हो रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ अंबानी के पास हो, वो ऐसा हो कि वो सबके पास है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इतना डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि वो रोटी वगैरह खा सके। तो ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो यहाँ से चालू होते हैं, यहाँ से लेकर नेक्स्ट पेज तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे हो गए, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये ही है। तो हम एक बार, एक मिनट, हमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन करा, फिर हमने प्रियम्बल करा, फिर पार्लियामेंट कर ली, फिर हमने गवर्नर कर लिया। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, मैंने आपको पांच वीडियो वन में दो मिस्टेक्स थी वो मैंने अपनी वीडियो ट्यू के अंदर आपको मैंने बता दिए। ठीक है, अब उसके बाद एक मिनट, हमने फिर पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री कर लिया, और मैंने कहा था पार्ट फोर तक इंपॉर्टेंट है, पार्ट फोर मैंने अभी आपको बता दिया। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, ये मैं अपन ने डिस्कस कर लिए। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, मैग्ना कार्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राइट टू इक्वालिटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली। ठीक है, हमने राइट टू फ्रीडम डिस्कस कर लिया, छह फ्रीडम है, उसके रिस्ट्रिक्शन है, आर्टिकल 19 में फ्रीडम है, उसके बाद आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, 86 अमेंडमेंट, ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली है। ये नोट्स आ रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत करना। आर्टिकल 32 हमने डिस्कस कर लिया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज डिस्कस कर लिया, सारे रिट्स डिस्कस कर लिए, जुडिशरी डिस्कस कर ली। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास एक
ये सबऑर्डिनेट कोर्ट जुडिशरी का पार्ट है, मैंने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो आपके मॉड्यूल के लास्ट में दे रखे हैं, मैंने सिर्फ वही कवर करे हैं। नहीं, मैंने वो कवर नहीं करे हैं, मैंने रिसेंट अमेंडमेंट, क्योंकि मॉड्यूल हो सकता है अपडेट नहीं हो या कोई रीजन हो, तो मैंने अपने जो रिसेंट टोटल अमेंडमेंट कितने हैं अपने 104 टोटल अमेंडमेंट है, तो जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है वो हमें इसमें कवर करने हैं। ठीक है, 5 मिनट का टॉपिक है, ख़त्म होने वाला है। ठीक है, उससे पहले अपन एक चीज़ और देख लेते हैं। ये ब्रोशर टाइप था सिलेबस, हमने प्रियम्बल डिस्कस कर लिया, हमने सिटीजनशिप डिस्कस कर लिया, आर्टिकल 5 से 11 के समथिंग में गिवन है। ठीक है, हमने फंडामेंटल राइट्स डिस्कस कर लिए, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35 में, 12 to 35 में गिवन है। हाँ, 12 to 35 समथिंग में गिवन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारा पार्ट 4 के अंदर गिवन है, 36 to 51। स्टेट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, यार ये कोई टॉपिक नहीं है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या ये हमने कर लिया। ठीक है, स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है तुम इसको ये मान लो, हमने प्रेसिडेंट और गवर्नर कर लिया। ठीक है, हमने हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कर लिया, लोकसभा कर ली, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कर ली, अब हम ये कर रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ है, ये इस पहले का इनिशियल सिलेबस है, जब CSET का ऑफिशियल नोटबुक नहीं आई थी तब का सिलेबस है ये। मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, ICSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ये जो लैंडमार्क केस है ना, सिर्फ अब ये बाकी है इस चैप्टर वन के अंदर। ठीक है, इस चैप्टर वन के अंदर हमने ये कर लिया लीगल एप्टीट्यूड का चैप्टर वन में। अब हम ये भी देख लेते हैं मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब सुनना मेरी बात, इसमें मैं तुम्हें 42 अमेंडमेंट बता चुका हूँ, मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार बताया, स्वरंग सिंह कमेटी और याद कर लेना, 42 मॉड्यूल में गिवन है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन स्वरंग सिंह कमेटी के अंडर आया था। ठीक है, इसने खूब सारी चीज़ें करी थी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तभी तो उसको बोलते हैं। और इसका ठीक किसने करा था, इसको 44 अमेंडमेंट ने इसके सारे प्रोविजंस को ठीक करा। ये हम डिस्कस कर चुके, दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। हमने राइट टू एजुकेशन डिस्कस कर लिया कि राइट टू एजुकेशन में क्या होता है, 86 अमेंडमेंट में होता है। हमने आर्टिकल अमेंडमेंट 1 डिस्कस कर लिया जो बोलता है कि स्टेट को, देखो राइट टू इक्वेलिटी के अंदर था, याद करो कि स्टेट है ना पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करके कुछ वो बना सकता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, हमने ये कर लिया। और अब सुनना, ये हमारे अमेंडमेंट जो हमने करे वो हो गए। अब इतने तुम्हारे मॉड्यूल में गिवन है, इतने मैं तुम्हें फटाफट बताता हूँ। देखो 42, 52, 62 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 52 एंटीडिफिकेशन लॉ। ये क्या होता है कि जब जैसे मैं इलेक्शन जीत कर आया, तो मैं इलेक्शन जीत के आया, पर मान लो बराबर का कॉन्टेस्ट हो गया, मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मान लो 100 सीटों पे इलेक्शन था, 50-50 हो गया। ठीक है, ये पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इसके पास मनी ही मनी है, इसके पास मनी ही मनी है। इसने क्या करा, इसके एक एमपी को बोला, एक एक मेंबर को बोला, आजा इसके अंदर, आजा इसके अंदर, देखो खूब पैसे देंगे और हमारा 51 कर दे। 51 से क्या होगा, मेजोरिटी में आ जाएगी, 100 का आधा प्लस 1 मेजोरिटी में आ जाएगी, तो इसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो इसको रोकने के लिए, ये जो ब्लैक मेल प्रैक्टिसेस है, करप्शन बढ़ाने की जो प्रैक्टिस है, इसको रोकने के लिए एंटी डिफिकेशन लॉ आया था जो बोलता है प्रोवाइडेड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफिकेशन। ये डिस्क्वालीफाई कर देता है ऐसे मेंबरों को जो ऐसे प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं। 42 हो गया, 52 हो गया, 62 के अंदर वोटिंग एज को 21 से 18 करा, कितनी अच्छी बात है ना, वोटिंग एज को 21 से 18 करा। 42 हो गया, 44th हो गया, 52 हो गया, देखो 42 से याद रखना, 52 हो गया, 62 हो गया। ठीक है, अब हम रिसेंट अमेंडमेंट की बात करते हैं। टोटल 104 थे, देखो 104 के बाद 101 रन बनाए। GST ने 101 अमेंडमेंट, एक GST 101 अमेंडमेंट था, फिर 103 अमेंडमेंट हमारा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन था, इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा दिमाग के अंदर उसको याद करो। GST भी अभी आया और ये 101 अमेंडमेंट था, और हमारा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 103 अमेंडमेंट था। 102 अमेंडमेंट था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये सारे अमेंडमेंट अभी 3-4 साल के बीच के हैं। ठीक है, ये क्या बोलता है कि ये बोलता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक अमेंडमेंट करके एक चीज़ बनाई थी कमीशन, जो कि लिस्टों का अपडेट करेगा, बैकवर्ड क्लासेस की लिस्टों का अपडेट करेगा, क्योंकि जिससे कि उनको रिजर्वेशन मिल सके। लिस्ट अपडेट होती है, आज ये क्लास सही हो गई तो दूसरी क्लास को रिजर्वेशन देगा, तो ऐसे बैकवर्ड क्लास की लिस्ट को अपडेट करने के लिए 102 अमेंडमेंट आया था। और 104 अमेंडमेंट क्या आया था, 104 अमेंडमेंट अभी आया है, शायद फेब्रवरी समथिंग कही है। 104 अमेंडमेंट हमारे SC ST की सीट्स रिजर्व होती है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में,
तो वो एक टाइम पीरियड के लिए होती है पर्टिकुलर, कि भाई ठीक है 20 साल के लिए हम इनकी सीट्स रिजर्व कर देते हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी थोड़ी डाउन स्ट्रगल है, मतलब हार्ड इनको स्ट्रगल करना है, तो इसलिए तो इसको एक्सटेंड भी करता रहता है। 20 साल खत्म हो गए उसके बाद खत्म कर दे, नहीं अभी भी कम्युनिटी की हालत सुधरी नहीं है तो अपन उसको एक्सटेंड कर दे, तो ये एक्सटेंड वाला हो गया। ठीक है, तो लेटेस्ट था 104, फिर 103, 102, 101, 100। 100 था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोई लैंड का एक्सचेंज हुआ था, कि ये थोड़ा सा विलेजेस तुम रख लो और ये विलेजेस हमें दे दो, तो 100 अमेंडमेंट था। और 99 अमेंडमेंट है ना लॉ के अंदर इम्पोर्टेंट है। 99 अमेंडमेंट क्या था, देखो जुडिशरी को जजेस को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द डिस्क्रिशन, खुद के डिस्क्रिशन पे, या जो उसको रिकमेंडेशन मिलता है, पर वो खुद राजा होता है अपॉइंट करने का। तो इन चीजों को लीगलाइज करने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन आया था, जो कि प्रॉपर 5-6 मेंबर्स का था, जिससे कि जजेस को अपॉइंट हो सके। ये इसको जब ये आया तो इसको ये पास हो गया, फिर इसको जुडिशरी ने क्वैश कर दिया। जुडिशरी ने इसको बोला कि ऐसा कुछ नहीं चलेगा, जुडिशरी ने इसको इस अमेंडमेंट को हटा दिया। ठीक है, जुडिशरी के पास बहुत पावर है, सुप्रीम कोर्ट अपने पे आ जाए ना तो हर लॉ को वो अमेंड कर सकती है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। अब इसको दोबारा पास कराना है तो लोकसभा में लेके जाओ, राज्यसभा में लेके जाओ, प्रेसिडेंट साइन करो, जुडिशरी का मन करा तो वो दोबारा इसको क्वैश कर देगी। तो ये जुडी जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर था, जो जुडिशरी को पसंद नहीं आया तो उन्होंने उसको हटा दिया। तो ये हमारे रिसेंट अमेंडमेंट्स हो गए, ये हमारे रिसेंट अमेंडमेंट्स हो गए। ठीक है, 42 हो गया, 52 हो गया, 62 हो गया। अब देखो थोड़े अमेंडमेंट्स है ना मॉड्यूल में दे रखे, ये सब तो आपको याद हो जाएंगे। 99, 100, 101, 102, 103, 104, 42, 52, 62, ये सारे याद हो गए। 86 याद है ही, और फर्स्ट वाला याद है ही। ठीक है, सेकेंड वाला भी कुछ नहीं है। पहले ऐसा कुछ रूल हुआ करता था कि जो हमारा इंडिया का जो रीजन्स मैंने डिवाइड करे थे, इंडिया को मैंने 552 रीजन्स में जो मैंने डिवाइड करा था, उस डिविड इंडिया को जो मैंने 5 रीजन डिवाइड करा था, उसमें एक रीजन के अंदर मैक्सिमम 7.5 लाख लोग हो सकते हैं। 7.5, अगर 7 लाख से इतने इतने 7.5 लाख से ज़्यादा है तो उसको एक और रीजन में डिवाइड कर देंगे। तो ये तो सेकेंड अमेंडमेंट से इस लॉ को हटा दिया। भाई क्या मतलब, पॉपुलेशन कितनी है बार बार काउंट कौन करेगा? तो सेकंड जो अमेंडमेंट था उससे इसको हटा दिया। अब चाहे 10 लाख हो, 20 लाख हो, ये इलेक्शन कमीशन की मर्जी है कि वो कैसे इंडिया को कितने रीजन्स में डिवाइड करता है। ठीक है, ये डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट मैंने यूनिट वन में बहुत अच्छी तरह समझाया। अगर डायरेक्ट यूनिट थ्री देख रहे हो तो एक बार यूनिट वन भी देखना, पार्ट वन। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद हमारा CACET का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम क्वेजेस की ओर चलेंगे और हम डाउट्स की ओर चलेंगे। ठीक है, और अब देखो 70, 70, 84, 91, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। 70 वाला बोलता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर है ना दिल्ली और पुंडीचेरी को भी पार्ट दो। अब ये पता नहीं, इसका कोई अपन को आइडिया नहीं है। 70 अमेंडमेंट से पहले दिल्ली और पुंडीचेरी जो इलेक्ट्रोल कॉलेज मैंने आपको बताया था इलेक्टेड मेंबर्स ही करते हैं, ये भी शायद यूनिट वन में था। हाँ यूनिट वन में था, पार्ट वन में। तो इसके अंदर आप दिल्ली और पौंडीचेरी भी कर सकती है। तो 70th अमेंडमेंट हो गया। और 84 अमेंडमेंट क्या था, 84 अमेंडमेंट ने रीस्ट्रक्चरिंग को बैन कर दिया। देखो मैंने आपको यूनिट वन में बताया था, इलेक्शन कमिश्नर पॉपुलेशन बढ़ने के बाद इनको रीस्ट्रक्चर कर सकता है, ये मैक्सिमम लिमिट होती है। और अभी कितनी है, 540 समथिंग है, देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना। तो ये मैक्सिमम लिमिट होती है। तो इलेक्शन कमिश्नर ने, पार्लियामेंट ने कहा कि 2000, पार्लियामेंट ने कहा 2026 तक, 25 साल पहले आया था ये, 2026 तक कोई रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी, 25 साल बाद देखेंगे पॉपुलेशन का क्या हो, तब रीस्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है, और 91, ओ 91 भी अपन कर चुके हैं पहले ही, जब हमने वो करा था हमारे 15th, रुको मैं बताऊँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर 15% रिजर्वेशन होता है ना, वो वाली चीज़ हमने डिस्कस करी थी ना, ये देखो। ओ पर इसमें नहीं है, देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये कहाँ से आया, ये इस अमेंडमेंट से आया। इसका अमेंडमेंट लिख देते हैं अपन, 91st अमेंडमेंट। तो ये हमारे नोट्स भी कंप्लीट हो गए। 91st अमेंडमेंट हो गया, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, हमारा लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया।
हमने यूनिट वन कॉन्स्टिट्यूशन अपने नोट्स से मॉड्यूल से कंप्लीट कर लिया है, इतना कर लेना सफिशिएंट है, सफिशिएंट है, एकदम इनफ है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इसके मॉक्स और भी जल्द आएंगे और हम अब देखते हैं कि आगे हमें क्या प्रोसीड करना है, लॉजिकल प्रोसीड करें या फिर टॉट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीड करें। आपको ग्रुप के अंदर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो थैंक यू, लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सब्सक्राइब करोगे तभी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे है, आप मेरे को पिंग कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। हमारी बाकी वीडियोस भी देखो। थैंक यू वेरी मच।